आज बता दें, दरभंगा के हायाघाट प्रखंड की बात करें तो यहां नामांकन प्रक्रिया में लगातार उम्मीदवारों का लाइन लगा हुआ है और उम्मीदवारों के समर्थक लगातार नाच गान कर रहे हैं। बता दें, माला के साथ अपने उम्मीदवारों का स्वागत कर रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि इस वक्त हम मझोलिया पंचायत के जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं नीलम देवी, उनके नामांकन प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं और उनका कवरेज दिखा रहे हैं। राघव चौधरी जो बता दें यहाँ पर उनकी माता हैं और रमन जी चौधरी जो उनकी धर्मपत्नी हैं नीलम देवी, इस मझोलिया गांव के रहने वाले हैं और मझोलिया पंचायत से इस बार वो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर उनके समर्थक यहाँ देख सकते हैं माला पहनाकर उनका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। नीलम देवी ने कहा है कि हम न्याय दिलाएंगे और सही तरीके से सभी लोगों का सम्मान करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिला उत्पीड़न पर ज़्यादा ध्यान दे देंगे कि किसी भी महिला को कोई ना सताए, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। इन सभी बातों पर नीलम देवी ने हमसे बात किया है और कहा है कि हम पंचायत के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और मेहनत करेंगे। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। इसी तरह की खबर देखने के लिए भारत उदय समाचार को शेयर जरूर करिए। आपको बता दें कि लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग पंचायत चुनाव निर्वाचन 2021 की बात करें तो लगातार हम कर रहे हैं। यहां देख सकते हैं राजा चौधरी और जो सभी लोग हैं यहां पर, खासकर अकलू चौधरी हैं, ये जो सभी परिवार के लोग हैं, पप्पू चौधरी हैं, ये सभी लोग अबीर गुलाल लगाकर स्वागत कर रहे हैं। किस पंचायत से? मझोलिया पंचायत से। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। कुछ सोचे हैं पंचायत के लिए? विकास के लिए सोचे, न्याय दिलाएंगे। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मझोलिया। ठीक है, धन्यवाद। चुनाव प्रधानमंत्री है क्या एजेंडा? जैसे गांव में देखा जाता है सरपंच पद के लिए विशेषता जो है, सबसे पहला काम होता है न्याय का, जो कि हमारा मेन एम रहेगा, निष्पक्ष न्याय और स्वच्छ न्याय के बारे में। ये पंचायत में जो कि है थोड़ा बहुत है भी, और इसको और ज़्यादा आगे करने का काम हम, इसको आराम से बढ़ाने का काम करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम राघव कुमार चौधरी। कैंडिडेट का? नीलम देवी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,